देखिए, आज मैं आपसे टेंस पूछने वाला हूं और सर। टेंस में मैं आपसे पूछूंगा प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। ठीक है? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर के सभी। प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस। तो आप सभी को वन बाय वन टेंस एक्सप्लेन करना है, एक एक, जिससे आपको याद हो जाएगी। देखो, जनरली मैं तो आपको टेंस बताते ही रहता हूँ, लेकिन अगर आप अपने खुद के मुंह से अगर एक एक टेंस बोलोगे तो कम से कम 12 टेंस तो आपको याद हो जाएंगे, है ना? तो इसलिए वन बाय वन बोलो। तो सबसे पहले आप बोलो, जी सर। सबसे पहला टेंस कौन सा होता है? खड़े होकर बोलो, सबसे पहला टेंस कौन सा होता है? प्रेजेंट प्रेजेंट सिंपल टेंस। सिंपल टेंस। इसका फार्मूला बोलेंगे, बोलिए। जी सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एग्जाम्पल। तुम पढ़ाते हो, यू टीच। अगर इसका नेगेटिव बोलें तो तुम नहीं पढ़ाते हो, क्या हो जाए? यू डू नॉट यू टीच। डू नॉट टीच टीच। समझ में आया? जी सर। मतलब सिंपल बताऊं। अच्छा, इसी का अगर हम सिंगुलर देखें, सिंगुलर। वह पढ़ता है। हाँ, फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एग्जाम्पल, वह पढ़ाता है। ही टीचेस। हाँ, अगर इसका नेगेटिव बोले तो? ही डज नॉट टीच। गुड। चलो, कोई पास्ट बताएगा? पास्ट कौन बताएगा? चलो, आप बताएंगी पास्ट। ठीक है, पास्ट बताइए। पास्ट सिंपल टेंस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म। तुम पढ़ाते थे, यू टॉट। तुम नहीं पढ़ाते थे, यू डिड नॉट टीच। वेरी गुड। देखो, इन्हें बहुत जल्दी बोल दिया। चलो, आप बताएं, आप कौन सा बताएंगे? फ्यूचर सिंपल। फ्यूचर सिंपल। देखो, कंटिन्यू चल रहे हैं हम, तो फ्यूचर का फार्मूला बताएं। सब्जेक्ट प्लस विल प्लस फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक, इसका एग्जाम्पल। एग्जाम्पल, यू विल टीच। हाँ, तुम पढ़ाओगे। अगर इसका नेगेटिव बनाए तो? यू विल नॉट टीच। ठीक। अब देखिए, हमारे तीनों हो गए, प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल। अब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस पे आ रहे हैं, तो क्या आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस बताएंगे? यस। बताइए। प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस इज एमआर प्लस वर्ब की आईएनसी प्लस ऑब्जेक्ट। तुम पढ़ा रहे हो, यू आर टीचिंग। तुम गुड। नहीं पढ़ा रहे हो, यू आर नॉट टीचिंग। ठीक, गुड। चलो, अब उसी के बाद पास्ट कंटिन्यूअस आप बताओ। चलो, क्रम से ही पूछते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तुम पढ़ा रहे थे। सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब चेंज फॉर्म। हाँ, ठीक। यू वर टीचिंग। हाँ, मतलब तुम पढ़ा रहे थे। अस्का इसका नेगेटिव क्या होगा? यू वर नॉट टीचिंग। मतलब तुम नहीं पढ़ा रहे थे। वेरी हाँ। गुड। चलो, इसके बाद भाई एक और बचा, सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस आईएनजी, मतलब फ्यूचर कंटिन्यूअस। ये कौन बताएगा? आप बताएंगे। चलो, ठीक। लिखा है। सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस वर्ब की आईएनजी। हाँ, तुम पढ़ा रहे हो, यू विल बी टीचिंग। अगर इसका नेगेटिव बनाए तो? तुम नहीं पढ़ा रहे हो, यू विल नॉट बी टीचिंग। हाँ, ठीक है। चलो, तुम्हारा क्या है भाई, बताओ। हाँ, परफेक्ट टेंस इसका फॉर्मूला बताओ। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। हाँ, एग्जाम्पल, मैं जा चुकी हूँ। आई हैव गॉन। गॉन। अगर इसका नेगेटिव बनाए नेगेटिव, तो? आई हैव नॉट गॉन। ठीक। चलो विल चलो, ये प्रेजेंट का परफेक्ट था, ये प्रेजेंट परफेक्ट। बोलो। मैं पास्ट परफेक्ट टेंस सब्जेक्ट प्लस हेड वर्ब की थर्ड फॉर्म। वह पढ़ा चुका था। ही हैड टॉट। वह नहीं पढ़ा चुका था। वह नहीं पढ़ा चुका था। ही हैड नॉट टॉट। ठीक। इसका आगे वाला किसका है भाई? फ्यूचर। मेरा सर। जी, इसको दे दो। तुम्हारा है फ्यूचर परफेक्ट। फॉर्मूला सब्जेक्ट विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यू विल हैव टॉट। ए, नेगेटिव, सीधे यू विल बैठो। हैव नॉट टॉट। ठीक। यू विल हैव टॉट, यू विल नॉट हैव टॉट। चलो, अब आता है हमारा परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। आप बोलेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। एग्जांपल, बस वैसे खेल रही है। फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन बल्कि आईएनजी प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम।
एग्जाम्पल सी हैज बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग. गुड. चलो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस कौन बोलेगा? नेगेटिव भी बोलना है. चलो नेगेटिव बोलो. सी हैज नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग. यस. चलो तुम बोलोगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस कॉन्फिडेंटली बोलो. सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस बंद की आईएनजी प्लस सिंस फॉर लंच टाइम. गुड. तुम सुबह से पढ़ा रहे थे. यू हैड बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग. हां नेगेटिव बोलोगे इसका? यू हैड नॉट बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग. ठीक. अगला मिरर टेंस है. फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस. इसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन प्लस वर्ब की आईएनजी प्लस फॉर या टेंस. तुम पढ़ा रहे होगे. यू विल हैव बीन टीचिंग. हाँ कुछ भी बोल दो. सिंस मॉर्निंग. सिंस मॉर्निंग. हाँ फिर नेगेटिव इसका? यू विल नॉट हैव बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग. हाँ हिंदी. तुम सुबह से नहीं पढ़ा रहे हो. ठीक. चलो ठीक है. ऐसा अगर बोलोगे ऐसा मुझे लगेगा मैं भगवान से कहूंगा जल्दी उठा लो है ना.